जय हिंद साथियों, लेटेस्ट अपडेट है। रीट मुख्य परीक्षा के रिजल्ट को लेकर एक अपडेट आई है। मुख्य सचिव का बयान आया है, उन्होंने रिजल्ट लेट होने का कारण बताया और रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा इसके बारे में भी बताया है। आपको इस वीडियो के अंदर स्पष्ट तौर पे पता चल जाएगा कि रिजल्ट कब तक जारी होगा। देखिएगा, रिजल्ट अप्रैल महीने में जारी होने के चांसेस थे, इसके बाद में धीरे धीरे करके ये रिजल्ट जून तक पहुंचता जा रहा है। इससे क्या है, बच्चों के अंदर असमंजस की स्थिति बन गई है। उनके मन में अलग अलग ख्याल आ रहे हैं कि OMR भरी जा रही है या फिर किसी भी तरह का कोई बैकडोर एंट्री हो रही है। तो इससे बच्चों के मन में अलग अलग सवाल आ रहे हैं। रिजल्ट लेट होने का कारण क्या है ये मुख्य सचिव ने बताया है। आप इस वीडियो को देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रिजल्ट लेट होने का कारण आपको क्या लगता है। आपत्ति इस बार बहुत अधिक आई और उन आपत्तियों का निस्तारण सबका उसमें समय लगता है। अगर आपत्तियां इतनी अधिक नहीं आती तो मेरे ख्याल में आज तक परिणाम जारी हो जाता। कर्मचारियों का हड़ताल का भी इस पर कुछ फर्क पड़ा था, क्योंकि हम ज़्यादातर हमारे यहाँ जो है वो IA कार्यरत हैं। अब उनकी काफ़ी समय तक लगभग 10 दिन तक हड़ताल रही, कुछ तो फर्क पड़ा ही। इतनी शीघ्र मतलब हम इसको कर देंगे और लगभग हम बिल्कुल तैयारी में हैं।